Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor Preeti Bora. दोस्तों आज मैं कराने जा रही हूँ आपको लेसन नंबर 39, ठीक है, डेली फैक्ट का. आपको पता ही है कि रोज़ सुबह मैं आपको डेली फैक्चुअल डेटा याद कराती हूँ जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है. ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है, UGC NET JRF, कोई भी PhD की एंट्रेंस, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस, कोई भी PGT का पेपर, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे, तो उसमें आपको ना बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपको फैक्ट याद नहीं क्या होते और आपको डेटा याद नहीं होता. तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है, अभी तक हम बहुत सारी बुक्स हो गई, कुछ स्टेटमेंट नहीं होती है कि पूछते हैं ये स्टेटमेंट किसने लिखी है, ये बुक किसकी है, ये थ्योरी किसने दी थी, ये सब चीज़ें हम करते आ रहे हैं. ठीक है, 38 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं. जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और जो वीडियोस आती है ना उसको रेगुलरली आप लाइक किया करो, और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना उसमें कमेंट तो जरूर किया करो. ठीक है, अब क्या है, हम यूनिट 10 कर रहे हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंड इसमें ना आपको ना थोड़ा जो एक्ट होते हैं ना उनको पढ़ना होता है, राइट. तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ इन पर्टिकुलर यूनिट के लिए कि मैं आपको प्रॉपर उस एक्ट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं वो सब बता रही हूँ, बिकॉज उस ऐसे ना आपका ना क्या होगा कि बेस सही बन जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेक्चर. कल मैंने आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कराया था, और मैंने कहा था कि यार आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कराऊंगी, तो आपने सारी चीज़ें पढ़ के आना. और IRTI के बारे में भी मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछे थे, सिर्फ थोड़े ही बच्चों ने उसके आंसर सही दिए हैं. तो जल्दी से आप यह करा करो, जैसे आज मैंने आपको ये एक्ट पढ़ा दिया तो उसके बारे में चीज़ें पढ़ा करो. ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, वो ओरिजिनल आपका 1986 में आया था, ठीक है, 86 का एक्ट है. अभी हाल ही में 2019 में इसमें आपका संशोधन हुआ है, ठीक है, आपका अमेंडमेंट हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019. ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन सी मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, ठीक है, आपका उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंदर आया था, रामविलास पासवान ने इसको प्रस्तुत किया था. और इससे वो जो पुराना 1986 वाला एक्ट है ना वो आपका चेंज होगा. अब इसकी मेन विशेषताएं क्या हैं, ये विशेषताएं याद कर लो क्योंकि इस वाले यूनिट में यही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछते हैं कि यार डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, अगर आप एक उपभोक्ता की परिभाषा बोलते हो तो कंज्यूमर की. इसमें है कि उपभोक्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो कोई वस्तु खरीदता है या किसी सेवा का लाभ उठाता है. ठीक है, अ पर्सन इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु बायज एनी गुड और अवेल्स अ सर्विस, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन. सो याद रखना इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों हैं, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही चीज़ें हैं. पहले क्या होता था, पहले आपके सिर्फ गुड्स पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता था. अब इसमें क्या है, इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए वस्तु या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वस्तु का या सेवा प्राप्त करते हैं. इसका मतलब क्या है कि यार जो पर्सन, अगर मेरे को कोई सामान खरीद के बेचना है ना तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ. ठीक है, तो ट्रेडर आपका के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, उनके लिए और एक्ट हो सकते हैं बट ये नहीं है. इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स अ गुड फॉर रीसेल ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज फॉर कमर्शियल पर्पज. अगर मैंने कोई सामान लेके बेचना है तो मैं कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आती. ठीक है, दूसरा पॉइंट. तीसरा, ये ऑफलाइन सहित सभी तरीकों से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन को कवर करता है. तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं. पहले क्या होता था, पहले आपकी ऑनलाइन और मतलब ये इतनी ना ब्रॉड डेफिनेशन पर इतनी ज़्यादा परिभाषा नहीं होती थी, उसमें सिर्फ होता था ऑफलाइन वगैरह. तो इसमें क्या है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. लेकिन ऑनलाइन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में हम ऑनलाइन शॉपिंग करो, ऑनलाइन अगर हमने शॉपिंग करके कुछ सामान खरीदा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएंगे. टेली शॉपिंग आप करते हो, आपको पता है टेली शॉपिंग जो मोबाइल के जरिए करते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसे आपने किसी को सामान ऐसे बेचा उस पॉइंट्स वाला जो सिस्टम होता है नेटवर्क मार्केटिंग वाला, और डायरेक्ट आपने किसी से कुछ भी बेच रहे हो, तो अगर आप इन सारी चीज़ों के माध्यम से चीज़ें खरीद रहे हो तो आप कंज्यूमर हो. ठीक है, ये तीसरी चीज़ बोल रखी है. नेक्स्ट है, इसमें उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं. बिल के 6 उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित किया गया है. ठीक है, बेसिकली 6 आपको अधिकार दे रखे हैं इस पूरे उसमें,
इसमें पहला बोल रखा है विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपकी मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के उसमें आप प्रोटेक्टेड रहोगे, कि है जैसे विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि जो आपकी ज़िंदगी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, यानी कि ऐसी चीज़ों की मतलब जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण विपणन से बचें। यानी कि क्या है कि अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसकी मार्केटिंग में ध्यान देंगे कि यार हाँ कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो लोग मार्केट नहीं कर ले, कुछ गलत एड्स तो नहीं दिखा रही है वाली बात। माल या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धि, मानक और कीमत के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अब जैसे आप लोगों ने मुझे बोलता है मैम पहले हिंदी पढ़ा करो, तो मैं वो चेंज लेके आ रही हूँ, ठीक है। सो बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, क्वांटिटी कितनी मात्रा में है, पोटेंसी कितनी। अगर जैसे मैंने किसी कोई समझ लो मैंने सनस्क्रीन ले रखी है, उसमें लेकर का SPF 30, तो SPF 30 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 है आप ऐसे 30 बोल रहे हो, ये वाला चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वन होनी चाहिए, और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉपर उधर लिखा होना चाहिए। तीसरा है प्रतिस्पर्धी कीमत पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाओं का पहुंच का आश्वासन दिया जाए, ठीक है। बी अश्योर्ड कि यार जो आपको आपकी जैसे समझ लो मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे हर जगह मिलना चाहिए। बी अश्योर्ड ऑफ एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम्पिटिटिव प्राइस, कि कम्पिटिटिव प्राइस पे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चुरा के दिख रहे हो, ये नहीं। और नेक्स्ट क्या है आपका अनुसूचित या प्रतिबंधित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ निवारण की मांग, यानी कि सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रोसेस। ऐसी कुछ ट्रेड प्रोसेस हो रही है कि अनफेयर है, कि कॉम्पिटिटिव सब आप लोग मार्केट के हिसाब से सब लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादा दाम बढ़ा रहे हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे, रिस्ट्रिक्टिव कुछ मटीरियल हैं, गवर्नमेंट ने मना कर रखे आप बेच रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। नेक्स्ट है कि अगर आपका ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, ये आपने लिख दिया कि कंज्यूमर क्या है, इसके बाद हमने लिख दिया कि कंज्यूमर के क्या अधिकार है, उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब अगर कंज्यूमर की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहाँ पे उसका निवारण होगा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक आएगी, केंद्र सरकार बनाएगी इसे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार आपके लिए एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आपका बनाएगी। और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा उसकी रक्षा करने, और रक्षा करना मतलब लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, आपके लॉज हैं उसको लागू कराना, ठीक है, ये सारे बनाए संस्थापन इसलिए करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रमोट करेंगे, प्रसारण करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा देंगे, इन्फोर्स कराएंगे, लागू कराएंगे क्या आपके उपभोक्ता के अधिकारों को, राइट्स ऑफ कंज्यूमर को, राइट। उसके बाद क्या है, अधिकारों का उल्लंघन, अगर आपने यह उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन अगर हो रहा है, अनुसूचित व्यापार हो रहा है, प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को नियंत्रण करेगा, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि आपके कंज्यूमर राइट का वॉयलेशन हो रहा है, ट्रेड सही से नहीं हो रखा, एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग है, ठीक है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है फिर भी आपको दिखा रहे हैं, तो उससे आपको ये वाली अथॉरिटी उसका निवारण करेगी। ये जो आपकी कंज्यूमर अथॉरिटी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये एक महानिदेशक की अध्यक्षता के लिए जांच विंग होगी, जो एक उल्लंघनों की जांच और जांच कर सकते हैं, यानी कि इसके जो हेड होंगे वो एक डायरेक्टर जनरल होंगे जो इन सारे मामलों में जांच कर सकते हैं। अब इनके क्या क्या काम होंगे, देखो इनके काम है जैसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना, ठीक है, कि वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, बिल में पश्चात वस्तुओं को वापस लेने या खतरनाक सेवा को वापस लेने, भुगतान की गई कीमत पर प्रतिपादित और अनुसूचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने के आदेश पारित करना। यानी कि क्या कर रहे हैं कि अगर तुमने कुछ ऐसा चीज़ें मार्केट में निकाल रखी जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको वापस हजार्डियस है कुछ, तो उसको वापस लेना, लोगों को पैसे वापस करना, ये सारी चीज़ें। अगर एडवर्टीजमेंट, अगर कुछ ऐसा है कि कोई व्यापारी, ठीक है, ट्रेडर, कोई निर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरर, कोई आपके अनुमोदक, ठीक है, आपके कोई एंडोर्सर, कोई विज्ञापनदाता, एडवाइजर, कोई पब्लिशर, प्रकाशक, या फिर कोई भी ऐसा लगता है कि फॉल्स गलत निर्देशन कर रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं, तो उसको आप उसको सही उसको पे देखने की जिम्मेदारी इनकी है। अगर इनको लगा कि हाँ सच में बेकार चीज़ हो रही है, तो ये क्या करेंगे, असुरक्षित मतलब क्या करेंगे, दंड लगाना, पेनल्टी देना, फाइन लगाना, अनुसूचित वस्तुओं के सेवाओं के खिलाफ उपभोक्ता की सुरक्षा को नोटिस जारी करना, ये सब इनकी ये काम है, ठीक है। और अगर आपको पता है ना कि जैसे अगर जैसे समझ लो कि कोई भी आपके भ्रामक विज्ञापन यानी कि आपके बेकार से मिसलीडिंग मतलब एडवर्टीजमेंट है, उसके लिए दंड कितना है मैं बताती हूँ। ये बोलते हैं कि अगर छोटे और भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता या फिर समर्थनकर्ता
ठीक है, आपके मैन्युफैक्चरर, निर्माता और समर्थन करना एंडोर्सर, ठीक है, अगर वो झूठे मतलब फॉल्स और मिसलीडिंग, ठीक है, भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितना दंड लेना पड़ सकता है? 10,00,000 रुपये फाइन पड़ सकता है और 2 साल तक की कैद का प्रावधान है, ठीक है, 2 ईयर्स की जेल का प्रावधान है। और अगर आपने एक बार पहले लग चुका है, बार बार आप रिपीट कर रहे हो, तो फाइन आपका 50,00,000 तक बढ़ सकता है और जो आपकी कैद है वो 5 साल तक, ठीक है। ये भी कर सकती है कि ये जो समर्थन करता है ना, उसको मना कर सकती है कि भाई ये वाली जो गुड्स और सर्विसेज है ना, इसको एंडोर्स मत करो। और उसके बाद इसको ये भी बोल सकती है कि अगर आप करोगे तो आपकी जा ये जो कैद है वो 3 साल तक हमारी बढ़ा देंगे और आपकी ही जिम्मेदारी होगी। ये सब सारे काम ये कर सकती है। नेक्स्ट है कि एक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, ठीक है। एक तो ये आपका हो गया कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये क्या करेगी, ये आपके जो शिकायत मतलब जांच वगैरह करेगी। अब समझ लो कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई ऐसे मामला हो गया कि आपको सुलझाना है, ठीक है, कोई विवाद सा हो गया, तो उसमें क्या करोगे, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होगी, ठीक है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सेट की जाएगी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे। अब इसमें क्या होगा, उपभोक्ता निम्नलिखित में से संबंधित इसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंज्यूमर शिकायत लेके जा सकते हैं, किस किस से रिलेटेड, अनुसूचित या प्रबंधक प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेके, दोषपूर्ण सामान या सेवाएं, डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज की शिकायत को लेके, ओवर चार्जिंग या भ्रमण चार्जिंग, यानी कि ओवर चार्ज कर रहे हो आप, ठीक है, मतलब सामान 10 रुपये का आप 120 रुपये मतलब 100 रुपये 2,000 रुपये ले रहे हो ये वाली चीज़ों पर, ठीक है। बिक्री के लिए माल या सेवा की पेशकश जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक है, ठीक है, जो कोई भी ऐसे हैज़ार्डस डेंजरस सब्सटेंस है तो वो चीज़ आपको नहीं बेचनी। और ये जो कंप्लेन है ना, ये आपकी जैसे क्या होता है, फाइल विद ओनली द स्टेट एंड नेशनल अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नेशनल और स्टेट लेवल पे, राज्य और आपके राष्ट्रीय स्तर पे जो कंप्लेन आएगी वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से ऊपर आएगी सबसे पहले, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में या जिले में आप शिकायत कर सकते हो, अगर उधर सॉल्व नहीं हुआ तो स्टेट में, वहाँ सॉल्व नहीं हुआ तो नेशन में, ठीक है, डायरेक्ट आप नेशन और स्टेट नहीं जा सकते। और आपका पता है क्या बोलते हैं, जो फाइनल अपील है, ठीक है, अगर ये नेशन में भी नहीं सुलटा तो उसके बाद कहाँ जाओगे आप, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये मामला है इसमें। अब इसका क्या है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इसमें क्या होगा कि आपके ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट वाले उधर, जिला वाले उधर कितनी मैक्सिमम कितना आपका पैसों से संबंधित चीज़ों का मतलब केस लेके जा सकते हो, शिकायत लेके जा सकते हो 1 करोड़ तक का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाले 1 करोड़ तक का। फिर स्टेट वाले जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 से 10 करोड़ तक का अगर कोई मामला है तो स्टेट में जाएगी, और 10 करोड़ से ऊपर वाला आपका नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर। प्रोडक्ट लाइबिलिटी यानी कि उत्पाद की देनदारी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो उत्पाद निर्माता है, सेवा प्रदाता है और विक्रेता की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी खराब या अच्छी खराब सेवाओं के कारण किसी भी नुकसान या चोट के लिए उपभोक्ता को मुआवजा देंगे, यानी कि अगर उनकी प्रोडक्ट की वजह से आपको कोई हार्म हुआ है, आपको कोई नुकसान हुआ है, कुछ इंजरी हुई है, तो आपको कंपनसेशन मुआवजा मिलेगा आपकी इन लोगों की वजह से। मुआवजा का दावा करने के लिए उपभोक्ता को बिल में दी गई खराबी या कमी के लिए शर्तों के एक को भी साबित करना पड़ेगा। अगर आपको मुआवजा लेना है तो आप जो बिल आता है ना उसमें कि यार ये चीज़ होगी और उसकी वजह से आपको रिएक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें से जो भी शर्तें हैं उसमें से आपको एक को प्रूफ करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि देखो एक्ट तो ऐसे ही कर सकते हैं। मेरे को पता है कि अभी हम थोड़ा 1-2 दिन हम क्या बोलते हैं फैक्चुअल डेटा नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि देखो ये ना मैंने सोचा एक्ट के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं ना, जो छोटे 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 फैक्ट्स हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 एक्ट के बारे में बहुत बात हो रही है और आपको पता है कि अभी 12 से तो एग्ज़ाम शुरू ही है, तो फिर इसलिए, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।